आप पता लगा सकते हैं इस टेबल के जरिए कि कितने पैसे बनाने वाले हैं। ये वो टेबल है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो कहते हैं रिस्क का कोई मसला नहीं है, हमारा पैसा जाता है तो जाए, लेकिन मुझे जो है ना मेरा पैसा रातों रात 100 गुना होना चाहिए, ठीक है। वो ये करेंसीज मिलेंगी। अगर आपने फाइंड आउट करनी है क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो में, समझ नहीं आ रही कि उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। आप उससे $100 से $10,000 बनाएंगे, 1,000 बनाएंगे, क्या बाय करेंगे या क्या नहीं बाय करेंगे? दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप $100 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उससे क्या मिलेगा या $100 से आपको क्या बाय करना चाहिए। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। Investing $100 in crypto, what you should buy? सबसे पहले आप लोगों ने तीन क्वेश्चन का जवाब दे देना है। वो ये है कि हाउ मच मनी यू वॉन्ट टू मेक, ये आपने पहले तय कर लेना है। अपना जो आपको ने टारगेट है ना वो सबसे पहले बना लेना है कि आपने पैसे कितने बनाना चाहते हैं। फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा आपने आपको पता चलता जाएगा कि उसका हल क्या होने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है। आप वीडियो को जो है पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर अपने पास लिख ले, वीडियो के एंड के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिल जाएंगे बहुत सारी चीज़ों के। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंड में ये रख लेना है कि मैं $100 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं कितने पैसे बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, फॉर आर्गुमेंट सेक, मैं चाहता हूँ कि मैं इससे 2000 बना लूँ, ठीक है, 2000 मैं अपने लिए 2000 का टारगेट लिख लेता हूँ। ओके, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं रिस्क कितना उठा सकता हूँ, रिस्क कि अपने मनी लूजिंग का, तो मैं कहता हूँ मैं अराउंड 50% अपना रिस्क उठा सकता हूँ, 50-50 मतलब 50-50 मेरा रिस्क की टॉलरेंस है, 50% रिस्क, मतलब 100% रिस्क नहीं कर सकता कि 100% ही डूब जाएंगे, हाँ आधे मेरे चले जाएँ कोई मसला नहीं है, $50 कम अज़ कम मेरे पास रह जाए, मैं 50% तक जो है ना रिस्क बेयर कर सकता हूँ या मैक्सिमम 60 तक भी जा सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद आ जाता है कि आप कितना टाइम रह सकते हैं इसमें, तीसरा पैरामीटर, तीसरा क्वेश्चन, कितने टाइम में आपको ये पैसे चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं 1 to 6 months में ये पैसे मेरे बन जाए, $100 से $2000 मेरा 1 to 6 months में बन जाए। आप लोगों ने तीन चीज़ें तय कर लेनी है, नंबर वन कितने पैसे आप बनाना चाहते हैं ये टारगेट, नंबर टू रिस्क कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, सारे पैसे लूज़ करना भी बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हाई रिस्क पे खेलना चाहते हैं या लो रिस्क पे खेलना चाहते हैं, वो भी आपने तय कर लेना है, और कितने टाइम में आपको ये पैसे चाहिए। दोस्तों अब आ जाता है कि हमारा गोल 10 टाइम 20 टाइम 100 टाइम्स, मैंने सेलेक्ट किया है 20 टाइम्स। आप देख सकते हैं मैं चाहता हूँ कि $100 का मेरा 2000 हो जाए, तो 20 टाइम 20 से मल्टीप्लाई करना है मैंने 100 को, तो 2000। आप चाहें तो आप 100 भी कर सकते हैं और चाहें तो 10x भी कर सकते हैं, 10 टाइम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ये आंसर्स हो गए, आप लोगों ने अपने आंसर्स बना लेने हैं। ये मेरा एक ज़बरदस्त आप लोगों को गिफ्ट है, रिस्क एंड रिवॉर्ड टेबल, आप इसको रट लें या अपने पास नोट करके रख लें। दोस्तों ये आपको काम आने वाला है कोई भी क्रिप्टो करेंसी चूज़ करने में, अपने आप पता लगा सकते हैं इस टेबल के ज़रिए कि कितने पैसे बनाने वाले हैं। ये वो टेबल है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसको आजमाइएगा फिर बताइएगा। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से है जो मैंने एक्सपीरियंस 2016 से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हुए हासिल किया। तो दोस्तों रिस्क एंड रिवॉर्ड टेबल ये बहुत काम आने वाला है, छोड़ दें सारी न्यूज़ को, जो भी न्यूज़ चल रही है टीवी के ऊपर, सारा कुछ चल रही है, ये सारे चीज़ों का एक मुंजमद आपके पास एक वो है, क्या नाम है, एक टेबल है। दोस्तों इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये वर्क कैसे करता है, ये मैजिकली वर्क करता है। सबसे पहले आपने इसको, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए वीडियो में, ये देखें। सबसे पहले आपने ये देखना, ये रिस्क परसेंटेज ये मैंने कॉर्नर पे रख दिया, ये है टाइम फ्रेम। दोस्तों क्रिप्टो में आप लोगों ने ये देखना, जब बुल रन आ रहा होता है, ये जो बुल रन चल रहा है ना ये 18 महीने से 2 साल तक रहना है, दैट्स इट, उसके बाद फिर डाउन होगा क्रिप्टो, क्रिप्टो हमेशा डाउन होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बस ये बुल रन चलता रहेगा, क्रिप्टो ऊपर जाती रहेगी, ऐसा नहीं है। बुल रन रफली रहता है अराउंड 18 महीने से 2 साल तक रहता है। तो अब हम आ जाते हैं कि इस जगह पे हमने लिख दिया टाइम, 1 से 3 महीने, 1 से 6 महीने, 1 से 18 महीने। अब जैसे कि मैंने ऊपर सेलेक्ट किया था कि मैं 1 से 6 महीने में, हाउ लॉन्ग यू वॉन्ट टू प्ले, 1 से 6 महीने में मुझे अपनी पेमेंट
20 गुना चाहिए, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 100 गुना करनी है, 20 गुना करनी है, 10 गुना करनी है। अब देखिए मेरा जो है ना कहाँ पे फॉल हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो रहा है। 1 से 6 महीने मैंने सेलेक्ट किए थे, ये देखें 1 से 6 महीने। उसके बाद मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको 20 गुना करना था, 20 गुना 20x। 20x कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20x, और यहाँ पे 1 6 महीने। तो मेरे लिए ये क्वाड्रेंट आ रहा है, देख रहे हैं। और मेरे पास ये क्या है, 60% मैंने रिस्क एक्सेप्ट किया कि मेरे 60% रिस्क है। इसमें क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि मैं जो है ना 60% रिस्क के साथ 2000 बना सकता हूँ विदिन 1 to 6 months। अब इस बेस के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि आगे आपने कॉइन सेलेक्ट कैसे करने हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं, देखें 90% आप रिस्क बेयर करते हैं, कहते हैं मेरा 90% मैं रिस्क बेयर करता हूँ या 100% रिस्क बेयर करता हूँ। जितना हाई रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड भी होगा। ये देखें विदिन 1 to 3 months आप जो है ना 100 गुना कर सकते हैं। अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया है तो उसको 10,000 कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं मेरी और वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं कि हाउ टू मेक 1,000 to 1 million यूजिंग यूनिस्वैप, 1,000 को 1 million में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिस्वैप, वो मेरी दूसरी वीडियो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हाई रिस्क से हाई रिवॉर्ड कैसे होता है। तो देखिए अगर आप क्रिप्टो में हाईएस्ट रिस्क लेते हैं ना, सारे पैसे गंवाने के लिए रेडी होते हैं ना, तो आप अपनी क्रिप्टो को 100 से 10,000 कर सकते हैं विदिन 1 to 3 months, पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है आपका $100 का $100 ज़ाया हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। इसी तरह आगे चलते जाए, अगर आप चाहते हैं कम रिस्क हो कम रिवॉर्ड हो, उसी तरह से आगे आते जाएगा। 1 to 6 months में आप 20 times कर सकते हैं, रिस्क इसका कम है। अगर आप 1 से 3 महीने में जो है ना इसको 20 गुना करना चाहते हैं तो रिस्क उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। कम अरसे में अगर 20 गुना करना चाहते हैं तो उसका रिस्क थोड़ा सा 100 गुना से कम है। लेकिन अगर 10 गुना करना चाहते हैं 1 से 3 महीने में तो उसका रिस्क और ज़्यादा कम है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसकी, पॉसिबिलिटी जब रिस्क कम होता है इसका मतलब है वो हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बुल रन में, क्या होगा, 100 को आप 1,000 करना चाहते हैं, वो कितना टाइम लगेगा, तकरीबन 18 महीने, 1 से लेके 18 महीने लग सकते हैं। उसमें आपको पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रिस्क कितना हो गया, 30% रिस्क हो गया। लेकिन ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी आपको बाकी सारे क्वाड्रेंट से इधर रिवॉर्ड भी कम मिल रहा है। इसका मतलब रिवॉर्ड कितना है, सिर्फ 10% है, 10 times है, और टाइम कितना लग रहा है, 1 से 18 महीने हो रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ये वाला क्वाड्रेंट है, 10x कर सकते हैं अपनी अमाउंट को 1 से 18 महीने के अंदर, लेकिन पॉसिबिलिटी हाई है, रिस्क बहुत कम है। ये उन लोगों के लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए, और वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो कहते हैं रिस्क का कोई मसला नहीं है, हमारा पैसा जाता है तो जाए, लेकिन मुझे जो है ना मेरा पैसा रातों रात 100 गुना होना चाहिए, ठीक है, वो आ जाते हैं इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। 1 से 3 महीने के अंदर आप 100 गुना कर सकते हैं, लेकिन रिस्क ज़्यादा है, आपके पैसे पूरे डूब भी सकते हैं। उसी तरह से जो दरमियान में रहने वाले होते हैं वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा मुनाफा भी ज़्यादा हो, मैं थोड़ा सा मेरा जो रिस्क वो भी कम हो, दरमियाना खाता हो सारा, तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ठीक है। 1 to 6 month में आप 20 times कर सकते हैं, 1 to 6 month में 20 times कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, ये टेबल आप लोगों ने समझ लेना है। इस टेबल में आपको कहीं पर मसला हो तो आप लोगों ने मुझे पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस टेबल के मुताबिक ही हम आपके क्रिप्टो करेंसी चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप इस क्वाड्रेंट में होंगे तो आप क्रिप्टो करेंसी कौन सी चूज़ करेंगे, इस क्वाड्रेंट में हैं तो क्रिप्टो करेंसी कौन सी चूज़ करेंगे, और अगर इस क्वाड्रेंट में हैं तो क्रिप्टो करेंसी कौन सी चूज़ करेंगे। क्रिप्टो करेंसी डिपेंड करेगी कि आप कहाँ पे, किस खाने में हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा 100x के खाने की क्रिप्टो करेंसियाँ कौन सी हैं, 20x के खाने की क्रिप्टो करेंसियाँ कौन सी हैं, और 10x के खाने की क्रिप्टो करेंसियाँ कौन सी हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली करेंसी कौन सी है, हाई मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड वाली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, और लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आ जाते हैं, मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन किया आप लोगों को। इफ़ यू वॉन्ट टू मल्टीप्लाई योर मनी विद इन 1 to 3 months टू 10x, ये पॉसिबल है। यू देखो 10 गुना करनी है तो इसका रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1 से 3 महीने में आप 10 गुना कर सकते हैं इजीली।
अगर आप कहते हैं मुझे 1 से 18 महीने भी कोई मसला नहीं है, फिर तो रिस्क और ज़्यादा कम है। ये देखें रिस्क कितना हो रहा है यहाँ पे, अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं क्रिप्टो करेंसी को तो आपका रिस्क आधा हो जाता है 3 महीने के मुकाबले में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कहते हैं नाउ इफ़ यू वांट टू, 3 महीने के अंदर मैंने अपनी इनकम को, अपने पैसों को, इन्वेस्टमेंट को 10 गुना करना है, यू विल नीड टू फाइंड द प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट्स मोर देन 1 कॉइन या 1 कॉइन दैट कुड पोटेंशियली गो अप टू 10 टाइम कंसिडरिंग द 60% रिस्क। इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोजेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा जो 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाए विद इन जो है ना 3 मंथ में, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसके मोर देन 50% चांसेस हैं कि ये बस्ट भी हो जाए, ये ख़त्म भी हो जाए, मतलब या नीचे चला जाए, ऐसे भी चांसेस हैं 3 महीने के अंदर। लेकिन हमारी मैक्सिमम रिसर्च की बेस के ऊपर वो अगर ऊपर जाता है तो हम उसमें रिस्क लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए विद इन 3 मंथ्स में। अगर एक मिसाल है, हम एक्सट्रीम हो जाते हैं, हम कहते हैं भाड़ में जाए हमारे पैसे डूबते डूब जाए, लेकिन जो है ना मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठाना है जो मुझे 1 से 3 महीने में अंदर मेरे पैसों को 100 गुना कर दे, तो उसका भी तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन नीचे कर देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली करेंसी कौन सी होती हैं, शुरू वाले क्वाड्रेंट वाली, इस क्वाड्रेंट वाली जो करेंसीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड करेंसी कौन सी होती हैं, ये वो होती हैं जो स्टार्टिंग में होती हैं ICO में, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में, जैसे कि हम और हमारे पास यूनिस्वैप में होती हैं, जो अभी एक्सचेंज के ऊपर नहीं आई होती, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं हुई होती, बाइनांस, कॉइन बेस, ये बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं इनके ऊपर अभी लिस्ट नहीं हुई होती, गेट IO, क्रैकिन, इनके ऊपर लिस्ट नहीं होती। शुरुआत में वो अपनी नेटिव करेंसी की, ब्लॉकचेन की जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है उसके ऊपर होती हैं। ICO में, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में, जब नया नया कॉइन लॉन्च होता है उस वक्त, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है PancakeSwap, और उसके बाद हमारे पास जो है ना सोलाना के लिए रेडियम है। तो ये जितनी भी है ना यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो क्रिप्टो होती है, ठीक हो गया। अब हमारे पास आते हैं मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड, ये वाला हमारा ये वाला क्वाड्रेंट आ जाता है, ये यहाँ पे देखें ये वाला क्वाड्रेंट हमारा ये वाला आ जाता है, ये वाला, और ये वाली जो करेंसियाँ होती हैं ना ये होती हैं अबव बिटवीन 101 रैंक टू 500, समटाइम ये 1000 तक भी होती है, 1000 रैंकिंग। जिनकी क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर जो रैंकिंग है 101 से लेके 1000 तक है, मतलब वो जो उनकी टॉप 100 से बाहर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें जो हमारे पास लो रिस्क लो रिवॉर्ड है, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। ये क्रिप्टो करेंसी कौन सी हैं, 1 to 100 रैंकिंग ऑन कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो 101 से लेके 1000 तक रैंकिंग की हैं वो मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड है, और जो है ना जो लो रिस्क लो रिवॉर्ड है वो है इसमें कॉइन मार्केट के ऊपर जो फर्स्ट 100 है। तो दोस्तों अगर आप लोग, अब आपको पता लग गया होगा आपके पास 100 है, आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ICO में, PancakeSwap पे, यूनिस्वैप पे जाना पड़ेगा। अगर आप मीडियम है तो आप टॉप जो 100 है ना, टॉप 100, अगर आप 20 टाइम करना चाहते हैं टॉप 100 से आपने किधर जाना होगा, ऊपर जाना होगा करेंसी में। अगर आप लो रिस्क लो रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे लेकिन मुझे जो है ना 10 गुना तक हो जाए, तो आप क्या करना है, 1 to 100 रैंकिंग वाली जो है उसमें रहना है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ठीक है, लो रिस्क लो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेड कर देते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कहाँ पे आपको मिलेंगी, आपको ये देख लें यूनिस्वैप, यहाँ से ये करेंसीज मिलेंगी। अगर आपने फाइंड आउट करनी है क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, रिसेंटली एडिड का टैब आपने यूज़ करना है, यहाँ पे मोर सॉरी यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाता है रिसेंटली एडिड, इसके ऊपर जाए, ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है ना
अभी ये जो है ना, इन्होंने ये जो है नई नई स्टार्ट हुई है। देखें 7 आवर्स अगो, 10 आवर्स अगो, 15 आवर्स अगो, ये पहले हुई हैं जो अभी अभी लिस्ट हुई हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, जैसे कि मैं बीडिड है या फॉर एग्जांपल ओ एक्स ओ एस है, मैंने यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे कहाँ पे लिस्ट है, ये नीचे देखें इसकी लिस्टिंग, अभी सिर्फ यूनिस्वैप पे है और कहीं नहीं है। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग है। इसी तरह जो है ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग में आप लोगों को मैं एक दिखा देता हूँ, एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है अगर आप लोग इसको कंसिडर करना चाहें। वो है ट्रंप। मुझे लग रहा है कि ट्रंप कुछ करेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है ट्रंप, मैंने इसको क्लिक किया। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग है। इसकी जो रिसेंटली मार्केट की जो सिचुएशन जा रही है ना, वो बहुत अच्छी जा रही है। देखिए इसकी मार्केट कैप से भी 24 आवर वॉल्यूम का ट्रेडिंग ज़्यादा है और बाकी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा खसूसियात है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे जो है ना, ये देखें मैंने इसको ये किया, ट्रंप आ गया। तो ये यूनिस्वैप के ऊपर उसी तरह से पैनकेक स्वैप है। ये बैंकिंग स्वैप है, इसके ऊपर आपको बाइनांस की मिलेंगी सारी। ये जितनी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर जो स्टार्टिंग में न्यूली इशू होती है उनके ऊपर आपको मिलेंगी। अगर आप आईसीओ में लेना चाहेंगे तो वैसे है, आईसीओ न्यू क्रिप्टो आईसीओ 2023, ये क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आईसीओ की अपकमिंग आईसीओ लिस्ट, आपको आईसीओ जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग वेबसाइट्स अपने वेबसाइट के ऊपर कर रही होंगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली आपको करेंसीज मिलेंगी। लेकिन अगर आपने मीडियम में जाना है, अब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आपको पता लग गया, ये देखें, अब आपने जाना है मीडियम में। मीडियम को हम कर लेते हैं ब्लू में, ये देखें ब्लू में आ गए। अब ब्लू में आपने क्या करना है, आपने क्रिप्टो मार्केट क्रिप्टो करेंसीज पे जाना है। अब ये देखें टॉप 100 यहाँ तक हैं, स्ट्रेट अवे आपको टॉप 100 यहाँ पे मिल जाएंगी पहले पेज के ऊपर, ये देखें, ठीक है, यहाँ तक। ये जो है ना लो रिस्क लो रिवॉर्ड है, हमने आगे इससे जाना है। हम जब नंबर 2 पे जाते हैं, ये देखें 101 से लेके ऊपर जितनी भी हैं ये ना मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड है। 101 से लेके 1000 तक जो है ना मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड है। ये कौन सी है, 101 रैंकिंग से 1000 तक मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड है। इसी तरह से अब आप लोगों को पता लग गया लो रिस्क लो रिवॉर्ड ये कौन सी है। लो रिस्क लो रिवॉर्ड जो 1 to 100 है करेंसीज। दोस्तों अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि आप लोगों ने अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, $100 आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता लग गया है कि आप उसमें रिस्क कितना उठाना चाहते हैं। ये आपने टेबल अपने पास डाउनलोड कर लेना है, उस टेबल के ऊपर आप लोगों ने बैठ के अपना होमवर्क कर लेना है और आपने ये देखना है कि मैं रिस्क कितना उठा सकता हूँ, रिवॉर्ड कितना उठा सकता हूँ। तो उसी लिहाज से आपने क्रिप्टो करेंसी यहाँ से सेलेक्ट करनी है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली क्रिप्टो करेंसी मुझे कहाँ से मिलेगी, मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं, यहाँ से जब आपने रिकग्नाइज़ कर लिया कि मुझे ये प्रॉफिट चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, आपको पता लग गया इतने टाइम में आप इतना पैसा बना सकते हैं और इतना उससे एसोसिएटेड रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल 1 to 6 month में आप जो है ना अपनी पैसों को $100 को $2000 कर सकते हैं, लेकिन उससे एसोसिएटेड रिस्क कितना है, 60% है कि मैं अपनी वो जो है ना लूज़ भी कर सकता हूँ अपनी क्रिप्टो अपनी इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग क्या करते हैं, मीडियम में आ जाते हैं। मीडियम यहाँ पे आपको मिल जाता है 101 से 1000 की रैंकिंग में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आप बाय कर सकते हैं। उनमें से भी फिर आपने रिसर्च करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, ये नहीं है कि इनमें से कोई भी उठा ले, नहीं, उसमें भी आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च आपको मैंने अपने कोर्स में बताई है कैसे करनी है। अगर आप कहते हैं मैं हाई रिस्क लेना चाहता हूँ, विदिन 2-3 months मैंने जो है ना अपने पैसे को जो है ना 100 गुना करना है या 70 गुना करना है, सॉरी 20 गुना करना है, अगर मैं कहता हूँ 1 to 3 month में मैंने 20 गुना करना होता तो मेरा रिस्क बढ़ जाता, ठीक है। अगर मैंने 10 गुना करना होता तो रिस्क थोड़ा उससे कम हो जाता। अगर मैं कहता हूँ मैंने 100 गुना करना तो रिस्क मेरा 90% पे चला गया, इसका मतलब है हाईली लाइकली है मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया भी हो जाए सारी। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले आपको कहाँ पे कॉइन मिलेंगे, लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाले कॉइन आपको कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों ये रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला टेबल मैंने वीडियो को में ये अक्सर ज़्यादा प्रोमिनेंट किया हुआ है, तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना है। इसको ये सारा जो मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है इसको जो है ना आप लोग डाउनलोड कर लें, इसको नोट कर लें। सबसे पहले आपने $100 माइंड में आने हैं, आपने $100 रखने के, मैंने $100 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 3 questions का आंसर दे देना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले questions का आंसर देना है, 20 गुना करना चाहता हूँ मैं अपने पैसों को या 100 गुना करना चाहता हूँ या जहाँ पे भी करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने रिस्क कितना उठा सकते हैं,
उसके बाद आपने कितना टाइम में आप करना चाहते हैं, ये यहाँ पे अपने आंसर देने के बाद आपने यहाँ पे देख लेना है। अगर आपका यहाँ पे फॉल हो रहा है, मेरा जैसे यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो मैंने क्या करना है, मीडियम वाले में जाना है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड वाली करेंसी में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे मेरा 126 है और मैं 20 टाइम करना चाहता हूँ, तो मीडियम रिस्क में, तो मैं 101 रैंकिंग से लेके 1000, अब मेरा आंसर ये है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मेरा आंसर हो गया, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। मैंने क्या करना है, वो करेंसीज उठानी है जो 101 से रैंकिंग से और 1000 रैंकिंग के दरमियान हो। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये मेरा आंसर है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको करेंसी कौन सी लेनी पड़ेगी, आपके गोल के हिसाब से कितना उससे एसोसिएट रिस्क होगा। तो आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप लोग उन दोस्तों को भी बताएं जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उनके पास $100 हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करें। एटलीस्ट उनके पास एक जायचा होना चाहिए या एक कोई एक जो असूल होना चाहिए जिसके तहत वो $100 वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें, जहाँ पर उनको पता लग सके कि वो रफली कहाँ पर बैठे हैं, उनकी पोजिशन क्या है। अगर आप उनको ये एक्सप्लेन करेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड टेबल, अगर खुद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको समझ नहीं आ रहा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड। आई होप कि अगर आप लोगों ने इसको सही तरह से समझा है, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने इस रिस्क एंड रिवॉर्ड टेबल को समझा है सही तरीके से और इसके एसोसिएटेड आपने कॉइन्स को समझा, कॉइन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, तो हो ही नहीं सकता कि आप जो है ना $100 जो है ना आपने गलत जगह पर इन्वेस्ट करो और आपका टारगेट कुछ और हो। आपकी एक्सपेक्टेशन की 90% मुझे उम्मीद है कि आपकी एक्सपेक्टेशन मीट होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और ज़बरदस्त नॉलेज के साथ और न्यूज़ के साथ क्रिप्टो से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।